बेस्ट बैक कवर एंड बेस्ट बैक केसेस फॉर दिस Redmi Note 13 Pro 5G स्मार्टफोन। तो गाइस अगर आपने यहाँ पर ये Redmi का Note 13 Pro 5G वाला स्मार्टफोन अगर आपने परचेस किया है या फिर परचेस करने का प्लान कर रहे हो, जो कि आपको नियरली 27,000 रुपये का मिलता है, तो अगर आपने ये स्मार्टफोन परचेस किया है या फिर परचेस करने का प्लान कर रहे हो और ऐसे में अगर आप सर्च कर रहे हो बेस्ट बैक कवर एंड बेस्ट बैक केसेस फॉर दिस Redmi Note 13 Pro 5G स्मार्टफोन के लिए, तो यहाँ पे गाइस आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे बैक कवर्स परचेस किए जो ओनली एंड ओनली फॉर इस Redmi Note 13 Pro 5G वाले स्मार्टफोन के लिए है। तो जितने भी सारे बैक कवर्स है गाइस, सारे के सारे बैक कवर्स के जो परचेस लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप इन सारे बैक कवर्स को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको कोई भी बैक कवर्स इसमें से पसंद आता है तो। लेकिन यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों को एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ, टू बी हॉनेस्ट मेरे पास अभी गाइस ये वाला जो मोबाइल है, ये मोबाइल मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको मोबाइल पर अप्लाई करके नहीं बता सकता, बट 101% श्योर है कि ये जो कवर्स है ये परफेक्टली आपके इस Redmi Note 13 Pro पर अप्लाई हो जाएगा। तो बट एक्सट्रीमली सॉरी, टू बी हॉनेस्ट मेरे पास मोबाइल नहीं है तो मैं आपको मोबाइल पर अप्लाई करके नहीं बताऊंगा, बट हम वन बाय वन इन सारे बैक कवर्स को ओपन करके चेकआउट करेंगे एंड इनके लुक्स एंड क्वालिटी को चेकआउट करेंगे, जिससे कि आपका डाउट इजिली क्लियर हो जाएगा। सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके एक बार चेकआउट भी कर सकते हो विद प्राइस के साथ में। ये सारे बैक कवर्स मैंने Amazon Flipkart से परचेस किए मिक्सिंग, तो चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे चार हार्ड केसेस बैक कवर से। तो यहाँ पर टोटल है मेरे पास ये सॉरी एक्सटर्नली, तो यहाँ पर मेरे पास है टोटल 5 हार्ड केस बैक कवर। तो पहले इन हार्ड केसेस को एक बार चेकआउट करते हैं, टोटल 5 है। ओके सो नाउ इज अ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये पांचों के पांचों जो कवर से गए थे पूरे के पूरे हार्ड केस बैक कवर से। तो सबसे पहले इस वाले कवर को देखो, ये है बेसिकली ब्लू कलर में, जो इसका नियरली नेवी ब्लू कलर इसको बोलते हैं। तो ये इजीली फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ये पूरा ओपन है, यहाँ से आपको कवर मिलता है, यहाँ से आपको कवर मिलता है, लेकिन साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको प्लेन मिलता है ओपन, यहाँ से भी ओपन मिलता है, लेकिन ये पूरा फ्लेक्सिबल है। और यहाँ पर बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर स्मोक इफेक्ट मिलता है, जो बेसिकली बहुत सारे लोगों को पसंद होता है स्मोक वाले बैक कवर्स। तो अभी से बात, अगर आप स्मोक लवर्स हो तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर दिख रहा है ये बेसिकली कोई रबड़ नहीं है, ये भी यहाँ पर भी पूरा प्लास्टिक है, और लेकिन फ्लेक्सिबल है, ज्यादा फ्लैक्स मत करना अदरवाइज से टूट सकता है, बट ठीक है, एक डिसेंट है, अच्छा भी लगता है। उसके बाद ये सेकंड वाला कवर, इस कवर को कहते हैं बेसिकली पूरा ट्रांसपेरेंट कवर। तो अगर आप अपने Redmi Note 13 Pro के लिए सिंपल प्लेन केस अगर आप सर्च कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके से पूरा का पूरा प्लेन ही है, ट्रांसपेरेंट कवर है, खाली जो प्लेन केस आते हैं वो सिलिकॉन फ्लेक्सिबल में आते हैं, ये आपको पूरा का पूरा हार्ड केस में मिलता है। तो ऑब्वियस बात है पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट है, आगे पीछे से दिखता है। और यहाँ पर देखो ये इसका, अगर आपका शाइनिंग फिट है चाहिए तो यहाँ से आपको इसका जो कवर है, यहाँ से देखो इसके ऊपर एक कवर चिपकाया हुआ है, इस कवर को आपको यहाँ से निकालना है, उसके बाद इसका पूरा शाइनिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं इसे नहीं निकालूंगा, कवर है ये ऊपर, लेकिन पूरा फ्लेक्सिबल है। और ये दिख रहा है यहाँ पर आपको जो ब्लैक वाला बॉर्डर दिख रहा है साइड से, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये ब्लैक बॉर्डर विद इस ब्लैक बम्पर कैमरा के साथ में, ये पूरा रबड़ है, स्ट्रैप है जो कि सिलिकॉन है, और इसको आप इस तरीके से पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल कर सकते हो। यहाँ से देखो पूरा का पूरा ये फ्लैक्स हो रहा है, खाली ये जो बैक का पोर्शन है ये मिलता है पूरा प्लास्टिक के साथ में, जो कि ट्रांसपेरेंट है, और ये भी फ्लेक्सिबल हो जाता है, ज्यादा करना मत, बट ब्लैक बॉर्डर है, ये पूरा का पूरा आपको सिलिकॉन रबड़ के साथ मिलता है। अब उसके बारे में यहाँ पर ये पूरा का पूरा एकदम ट्रांसफॉर्मर रोबोटिक वाला हार्ड केस, ये ज्यादा हार्ड केस है, ये इसका एक ये ब्लैक में है और ये आप देखो सिल्वर ग्रे में है। तो ये ज्यादातर बेसिस में उन लोगों के लिए जो स्पेशली ब्लैक लवर्स है, और ब्लैक कलर में हार्ड केस अगर आप सर्च कर रहे हो विद टेक कैटेगरी वाले हैं, तो आप हाँ इस वाले कवर के देख जा सकते हो। और यहाँ पर अगर आप एक कैमरा प्रोटेक्शन भी अगर आप सर्च कर रहे हो बैक कवर, तो ये आपके Redmi Note 13 Pro के लिए ज्यादा बेटर होगा। ऑब्वियस बात है यहाँ पे कैमरा को पूरी तरीके से सेफ रखेगा, आप बस इसको इस तरीके से स्लाइड अप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये आपको रबड़ का और इसमें आपको प्लास्टिक का फिनिशिंग आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर देखोगे ये जो दिख रहा है, इसमें आपको 2-in-1 टाइप का कवर मिलता है, जिसको आप अगर आपको वॉश भी करना है तो आप इसको वॉश कर सकते हो पानी में इजिली, ये रिमूवेबल है, आप प्लास्टिक है, और इसमें ये जो दिख रहा है ये बॉर्डर, ये आपको सिलिकॉन रबड़ के साथ में मिलता है, जो कि क्वालिटी आपको डिसेंट और अच्छे लेवल का मिलता है, जिस तरीके से मैं इसको हाथ में लेके फील कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे देखोगे इसमें आपको एक रिंग होल्डर मिलता है, ये कोई शाइनिंग के लिए नहीं है, ये सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए होता है, आप अपने फिंगर को इस तरीके से अंदर डाल के अपने कॉल पे बात कर सकते हो, तो कोई भी आपका मोबाइल पीछे से छीन के भाग नहीं सकता है, तो ये सेफ्टी के लिए होता है। और इजिली ये 360 एंगल में आप इसको इजिली घुमा सकते हो, और साथ ही साथ इसको एज अ होल्डर के बेसिस पर यूज़ कर सकते हो, ये एज अ मोबाइल होल्डर भी आपका काम करेगा, तो ठीक है, नॉट बैड। और अगर रिंग होल्डर अगर आप सर्च कर रहे हो विद कैमरा प्रोटेक्शन, तो आप इस वाले कवर के लिए जा सकते हो। सेकंड वाला ये भी जो कवर देखोगे सेम टू सेम वही है, खाली कलर
कलर इसमें डिफरेंस आपको मिलेगा और डिजाइन में आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, लेकिन ये सिल्वर है ये ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, तो ये आई थिंक मुझे भी लगता है ये आप लोगों को ज्यादा पसंद आएगा। इसमें आपको ये जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है ये आपको पूरा का पूरा जो है सिलिकॉन रबड़ के साथ में आता है, इसको आप पूरा का पूरा फ्लेक्सीबल कर सकते हो, ये पूरा पोर्शन रबड़ के साथ में आता है। यहाँ पे देखोगे बॉर्डर में ये बॉर्डर भी आपको पूरा का पूरा सिलिकॉन रबड़ में मिलता है, खाली ये जो दिख रहा है बैक का पोर्शन ये प्लास्टिक मिलता है, और इसमें आपको एक रिंग होल्डर मिलता है जिसको भी आप 360 एंगल में इस तरीके से घुमा सकते हो। इसमें अपने कॉल को अपने कॉल पर रखे आप इस फिंगर को अंदर प्लेस करके कॉल पे बात कर सकते हो सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पर आपको कैमरा का बंपर वाला प्रोटेक्शन देखने को मिलता है कैमरा सेफ्टी के लिए विद स्लाइड अप प्रोटेक्शन के साथ में, इसको आप इजीली स्लाइड अप कर सकते हो। तो ये आपको खाली इसका ध्यान रखना कि ये रिमूव होता है, तो बस इसका ये प्रॉब्लम है, बट आप इसको बिना इसके भी यूज कर सकते हो, अच्छा लगेगा। बट इसके साथ अगर आप यूज करोगे तो आपको केयर भी करना होगा, बिकॉज अगर ये गिर गया तो इसका पूरा लुक खराब हो जाएगा, तो मेक श्योर इसका आपको ध्यान रखना होगा, तो वैसे कभी भी गिर सकता है। ठीक है, नॉट बैड। उसके बाद है यहाँ पर हमारा लास्ट कवर जो कि पांचवें नंबर का है, ये है पूरा का पूरा आपको हार्ड केस, क्वालिटी इसका बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। मुझे इसकी खास बात ये लगती है कि इसका प्राइस कम है, लेकिन इसका जो लुक है काफी डिसेंट और अट्रैक्टिव दिखता है। यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा हार्ड है, फ्लेक्सीबल नहीं है, ये बात का ध्यान रखना, ज्यादा इसको मोड़ना नहीं है। ये वाला जो दिख रहा है बॉर्डर आपको ब्लैक कलर का, ये कैमरा प्रोटेक्शन के साथ में आता है विद बंपर प्रोटेक्शन, और ये पूरा सिलिकॉन है ब्लैक रबड़ के साथ में। यहाँ पर देखोगे ऊपर की तरफ एक हार्ड वाला टेक्सचर देखने को मिलता है जो आपके मोबाइल को डैमेज होने से बचाता है, इनकेस अगर आपका मोबाइल यहाँ से ड्रॉप होता है तो ये आपके मोबाइल को पूरा का पूरा डैमेज होने से बचाएगा। यहाँ पर आपको पूरा चारों तरफ में हार्ड वाला टेक्सचर देखने को मिलता है जो आपके मोबाइल को सेफ रखता है। यहाँ पर इसका बॉर्डर देखोगे तो दोनों में आपको यहाँ पर ये भी आपको 2-in-1 टाइप का मिलता है, इसको आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हो, वॉश भी कर सकते हो, बट ज्यादा मत करना, इसके ऊपर कवर है तो फिलहाल मैं इसे निकालूंगा नहीं, बिकॉज सिल्पे के अच्छा लग रहा है। तब उसके बाद करें यहाँ पर तीनों कैमरास के, अगर देखोगे यहाँ पर आपको राइट साइड में आपको तीनों में, ये तीन जो कवर है मेरे पास, इन तीनों कवर्स में आपको राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन के लिए ऑप्शन देखने को मिलता है तीनों में सेम टू सेम लेवल का। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर के लिए ऑप्शन देखने को मिलता है एंड कटआउट्स मिलता है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखोगे पूरा का पूरा आपको प्लेन मिलता है एंड ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको कटआउट्स हेडफोन जैक के लिए आपको कटआउट्स देखने को मिलता है। तो उसके बाद इन दो कवर्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन इसमें देखने को मिलता है, इसमें आपको पूरा ओपन देखने को मिलता है। नीचे की तरफ कटआउट्स चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर के लिए, लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा प्लेन है यहाँ पर ओपन है एंड ऊपर की तरफ हेडफोन जैक के लिए कटआउट्स और स्पीकर के लिए भी आपको कटआउट्स मिलता है, स्पीकर आपको दोनों साइड में मिलता है। तो इन पांचों को आप क्या के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये हमारे तीन अलग लेवल के बैक कवर्स, तो इन तीनों को भी चेकआउट करते हैं। पहले जो मैंने आपको बताया था वो हार्ड केसेस थे, ये बेसिकली सिलिकॉन है, तो चेकआउट करते हैं। सो इस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वैसे इन तीनों के बारे में ज़्यादा कुछ कहूंगा नहीं बिकॉज तीनों है सिलिकॉन क्वालिटीज में आते हैं। यहाँ पर आपको एक थोड़ा डिजाइन का फर्क पड़ेगा, क्वालिटी का फर्क पड़ेगा एक बात का। तो सबसे पहले देखो ये दोनों कवर्स को अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं, खाली आपको देखोगे थोड़ा इसमें आपको गादी इफेक्ट देखने को मिलेगा जिस तरीके से हमारी गादी होती है सोफा में, और यहाँ पर ये दिख रहा है आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ मिलेगा, इसमें बाहर की तरफ निकला हुआ है और इसमें अंदर की तरफ निकला हुआ है। अगर बात करूँ क्वालिटी की तो ये जो कवर है ये काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ही है, और ये आपको हल्के क्वालिटी का मिलता है, इसका प्राइस भी कम है। तो ऑब्वियसली बात है अगर आप एक सिलिकॉन में सिलिकॉन फ्लेक्सिबल में अगर आप हार्ड केस अगर आप सर्च करो सिलिकॉन फ्लेक्सिबल में जो रबड़ में हो तो आप इस वाले कवर के लिए जा सकते हो। अगर बात करो क्वालिटी के तो अगर आपको लाइट वाला कवर शीट जो इजिली सिलिकॉन फ्लैक्स हो तो आप इस वाले कवर के लिए जा सकते हो, इसका क्वालिटी आपको लो मिलेगा लेकिन हल्का क्वालिटी है, और ये आपको ये पूरा का ये भी पूरा का पूरा फ्लैक्स होता है लेकिन इसका जो कवर क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा कवर है। तो अगर आप ज़्यादा कवर ये आपके स्मार्टफोन को ज़्यादा बेटर तरीके से सेफ रखेगा, इसमें आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे अगर आप लिंक पर क्लिक करोगे तो। और उसके बाद यहाँ पर ये देखो सिंपल प्लेन केस है, ये जो कवर है बेसिकली इस टाइप के कवर आपको मोबाइल के साथ में भी आते हैं, लेकिन जो मोबाइल के साथ में कवर आते हैं वो आपको सिंपल प्लेन केस आता है। अगर आप बाहर से अगर आप सिंपल प्लेन केस अगर आप लेते हो तो इसमें आपको थोड़ा क्वालिटी अच्छा मिलता है। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको हार्ड टेक्सचर देखने को मिलता है जो आपके मोबाइल को डैमेज होने से बचाता है इनकेस अगर आपका मोबाइल नीचे गिर जाता है, तो पूरा प्रेशर यहाँ पे आएगा तो आपका मोबाइल जो है वो बिल्कुल भी डैमेज होगा नहीं, और इसमें आपको थोड़ा क्वालिटी का भी फर्क पड़ेगा जिस तरीके से मैं हाथ में लेके फील कर पा रहा हूँ। जो मोबाइल के साथ में प्लेन केस आते हैं उनका क्वालिटी आपको बिल्कुल भी अच्छा मिलेगा नहीं, इसके बस एक है कि ये 6-5 महीने के अंदर येलो हो जाता है, बट ठीक है उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है जो सिंपल प्लेन केस यूज़ करते हैं। मैं भी ज़्यादातर सिंपल प्लेन केस ही यूज़ करता हूँ, मुझे बैक वर्ड के ऊपर ज़्यादा पैसा मैं स्पेंड करता नहीं, तो मेरे लिए इस टाइप के जो बैक वर्ड्स होते हैं वो ठीक ही होते हैं। अगर बात करें यहाँ पर अभी इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्वालिटीज़ की, तो यहाँ पर देखो साइड साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन पावर बटन के लिए जो है प्रॉपर बटन कटआउट्स मिलते हैं। नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर के लिए कटआउट्स हैं। लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा प्लेन मिलता है, यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिलता है और यहाँ पर प्लेन मिलता है। इसका जो देखो साइड इफेक्ट
इनफैक्ट ये पूरा बाहर की तरफ दिखता है, इसमें आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद ऊपर की तरफ हेडफोन जैक के लिए कटआउट है, स्पीकर के लिए कटआउट्स है, और यहाँ पे दो होल्स के लिए भी प्रॉपर तरीके से कटआउट्स मिलते हैं। इसमें भी आप देखोगे राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन के ऑप्शन है। नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर के लिए ऑप्शन मिलेगा। ऊपर की तरफ हेडफोन जैक, प्रॉपर तरीके से सारे कटआउट्स देखने को मिल जाते हैं। तीनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो। अगर आप इन दोनों में से कोई एक लेना चाहते हो, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप इसको परचेस करो। इनका ये ज्यादा कवर है, आपके मोबाइल को ज्यादा सेफ रखेगा, बट फिर भी अगर चाहते हो इसको परचेस कर सकते हो, लेकिन हल्के क्वालिटी का है। तो बारी हमारे लास्ट एंड फाइनल तीन बैक कवर्स को चेकआउट करने की। इन तीनों बैक कवर्स को भी वो ओपन करके चेकआउट करते हैं। सो इट्स अ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सबसे पहले इसको साइड में रखते हैं, एंड यहाँ पर इन दो बैक कवर्स को अगर आप देखोगे तो ये दोनों बैक कवर्स गाइस ये पूरा का पूरा हार्ड केस के साथ में आता है। तो इस टाइप के बैक कवर्स भी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ये पूरा हार्ड केसेस में है। इसमें आपको थोड़ा डेनिम इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये पूरा जो दिख रहा है बैक सेट में, ये पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक के साथ में आता है। ये दिख रहा है ये भी पूरा प्लास्टिक ही है, कोई रबड़ नहीं है यहाँ पे। खाली ये जो बॉर्डर अगर देखोगे, ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक इसका जो पूरा बॉर्डर है, ये आपको स्ट्रैप के साथ में आता है जो कि सिलिकॉन ही है। ये भी पूरा का पूरा सिलिकॉन, अच्छे क्वालिटी का ये स्ट्रैप है। तो बॉर्डर पूरा रबड़ इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, बाकी पूरा पोर्शन आपको ब्लैक सेट में ये ऐसा देखने मिलेगा। तो कोई भी कलर अगर आप लो तो सबके ऊपर ये अच्छा ही लगेगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो कवर है ये भी पूरा ओपन टाइप का ट्रांसपेरेंट कवर है। ये भी पूरा हार्ड प्लास्टिक के साथ में आता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल हो जाता है इजिली, ज्यादा करना मत टूट जाएगा। ये पूरा आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पर आप देखोगे कैमरा का पूरा बंपर लेवल का प्रोटेक्शन है। राइट साइड में ये जो इसका भी पूरा बॉर्डर देखोगे, ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर है ये आपको प्लास्टिक सिलिकॉन मिलता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको प्लास्टिक वाला इफेक्ट मिलेगा, लेकिन ज्यादा आपको सिलिकॉन रबड़ का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना। खाली बैक साइड का पोर्शन प्लास्टिक है, ये दिख रहा है पूरा सिलिकॉन प्लास्टिक रबड़ के साथ में आता है जो इजिली फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड में आपको दोनों में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन के ऑप्शन मिल रहा है, प्रॉपर कटआउट्स यहाँ पर डिजाइन देखने को मिलता है। नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर के लिए कटआउट्स। उसके बाद लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको डिजाइन मिलता है, और यहाँ पर प्लेन मिलता है ट्रांसपेरेंट। ऊपर की तरफ हेडफोन जैक और स्पीकर के लिए प्रॉपर आपको कटआउट्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पर ये फाइनल हमारा लास्ट बैक कवर। अब यहाँ पर ये वाले बैक कवर को वैसे ज़्यादातर लोग परचेस नहीं करते हैं, बिकॉज ये आपको लुक प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन अगर बात करें प्रोटेक्शन की, तो ये आपके स्मार्टफोन को पूरा बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। इसमें आपको 360 एंगल में पूरा प्रोटेक्शन मिलता है, फ्रंट साइड से, बैक साइड से, और अगर आप मोबाइल को इस तरीके से लॉक करते हो तो पूरा 360 एंगल में ये आपके स्मार्टफोन को प्रोटेक्शन रखेगा। तो अगर आप अपने रेडमी नोट 13 प्रो के लिए कम प्राइस में एक फुली प्रोटेक्शन अगर कवर अगर आप सर्च कर रहे हो, तो इस वाले कवर को आप परचेस कर सकते हो बॉयज़ और गर्ल्स। इसमें आपको और भी कलर्स मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश, कॉइन को आप इसके अंदर प्लेस करके रख सकते हो, एज अ वॉलेट की तरह इसका यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ इसको आप एज अ होल्डर के बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आप अपने मोबाइल को इस तरीके से रखोगे तो ये होल्डर का भी काम करेगा। तो मुझे एक तरीके से अच्छा लगता है, अंकल जी टाइप है, लेकिन प्रोटेक्शन के मामले में ये बेस्ट है। तो ऑब्वियसली बात है आप परचेस कर सकते हो अगर आप अपने स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट रखना चाहते हो। तो इसमें आप देखोगे आपको पूरा कटआउट्स मिलता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन, नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर, लेफ्ट साइड में पूरा प्लेन है, एंड ऊपर की तरफ आपको कटआउट्स देखने को मिल जाते हैं प्रॉपर तरीके से। इसमें आपको और भी कलर्स मिलेंगे, आप जाके बस चेकआउट मिल जाएंगे। तो गाइस ये थे हमारे सारे के सारे बेस्ट बैक कवर एंड बेस्ट केसेस फॉर दिस रेडमी नोट 13 प्रो 5G स्मार्टफोन के लिए। कमेंट में जरूर बताना कौन सा बैक कवर आपको अच्छा लगा, और भी मैंने बैक कवर्स के रिलेटेड टॉपिक कवर किया, आप जाके वीडियो लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। बैक कवर्स के टॉपिक्स अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी मर्जी।